हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं कि अगर आप जो है लगातार बड़े से बड़े ट्विस्ट देंगे तो यकीन है फैंस आपके साथ जुड़े रहेंगे। और ऐसे में जो है राजन शाही ये रिश्ता क्या कहलाता में काफ़ी ट्विस्ट दे रहे हैं ताकि जो है फैंस उनके साथ जुड़े रहें, या ये कहें कि बस फैंस को जो है अपने साथ जोड़ने के लिए नई नई कहानी को जो है जोड़ रहे हैं। ऐसे ही ये रिश्ता क्या कहलाता में जो है आप काफ़ी बड़े ट्विस्ट देख रहे हैं और आने वाले टाइम में 8 से भी ज़्यादा बड़े ट्विस्ट देखेंगे। ऐसे में टीआरपी के खातिर जो है राजन शाही अब पूरी कहानी को बदलने को तैयार हो रहे हैं। आईपीएल कह रहे हैं कि भैया आपके शो को बचाना आपके ही हाथ में। बात करते हैं रातों रात घर छोड़ देगी अभीरा आपकी, अब कितना छोड़ेगी, अरमान उसको लेके आएगा या नहीं लेकर आएगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। दादी साहब पर होगा हमला, भाई अब उनके चाहने वाले कर रहे हैं या उनके कोई पुराने दुश्मन कर रहे हैं। फिर आता है कोर्ट रूम में भयंकर होगा ड्रामा, जहाँ पे अभीरा अपनी दादी साहब का नाम लेके पुकारेगी। ऐसे में अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन भाई वो जो है इस तरह के दाव खेलेगी कि मानिए दादी सा की तबीयत भी खराब होने लगेगी। ऐसे में अबीर बस मौके की तलाश में है जो है भाई अरमान के परिवार को बर्बाद करने के लिए। आखिरकार अबीर का कौन सा सच है जो कि अरमान की फैमिली से जुड़ा है? दादी सा को बचाएगी भी आपकी अबीरा ही, भाई अगर वो कोर्ट तक घसीटेगी तो कोर्ट से सही सलामत वापस भी अबीरा ही लाएगी। दादी सा से माफ़ी मांगेगी अबीरा जब लगेगा कि उसको यूज़ किया गया है। फिर आएगा क्या अबीरा खो देगी अरमान को, कि अरमान जब उसे समझाएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अरमान को क्या हमेशा के लिए खो देगी? फिर आते हैं आपके प्यारे से अबीरा की वजह से ही तड़फेगा अरमान, भैया बेचारा प्यार करने लगा है। ऐसे में भैया जो है आप समझ सकते हैं अबीरा पर तो चोरी का इल्ज़ाम वैसे ही लग गया है, क्योंकि भैया फाइल से पेपर चुराना, देखना, घर में छानबीन करना, तो ये सारे ट्विस्ट आपको एक ही जगह कोर्ट रूम और रोड पर नज़र आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या होगी कि आखिर अबीर क्या चाहता है, क्यों जो है दादी सा के परिवार को बर्बाद करना चाहता है, कौन सा रिश्ता जुड़ा है अबीर का, तो ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो कितने एक्साइटेड हैं आप नई कहानी को देखने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।